हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नियो क्लासेज हलसी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ेंगे। और माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इसमें कमला दास जी काफ़ी नॉस्टैल्जिक होती हैं, अपनी पुरानी यादों में खोई रहती हैं और उसी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए ये कविता लिखती हैं। एक महज 16 लाइन की शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वह काफ़ी वास्ट एंड वाइड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इसका अर्थ व्यापक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेटेड मैनर में इन्होंने कविता को लिखा है। और इस पोएम के अंडर करेंट की बात की जाए तो इसमें कमला दास जी के जो है वह बचपन के जीवन का जो है वह चित्रण है, जो कि उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के घर में बिताया है। और वहाँ जो इन्हें प्यार और सम्मान मिला, वहाँ जो इन्हें जो है आदर मिला, उसको ये प्रेजेंट लाइफ से, वर्तमान के जो है वह जीवन से जोड़ करके देखती हैं और कहती हैं कि अभी जो है वह वर्तमान में मुझे अजनबियों के घर पे प्यार के लिए जो है वह भटकना पड़ता है, लेकिन आज भी उस तरह का प्यार हमको प्राप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन भी है इस पोएम में। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, काफ़ी नॉस्टैल्जिक होती हैं कमला दास जी इस पोएम में, ठीक है, और कंपेयर भी करती है प्रेजेंट लाइफ से और उस समय के लाइफ से, पास्ट लाइफ से कमला दास जी। तो आइए हम लोग पोएम को पढ़ेंगे, पोएम को प्रारंभ करें। और पोएम के प्रारंभ में सबसे पहले हम लोग पोएट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे कमला दास जी के बारे में। कमला दास जी, जिनका कि जन्म मार्च 1934 में हुआ था, और कमला दास जी से जुड़ी खास बात यह है कि यह इंडियन पोएट है। यहाँ से प्रश्न रहता है कि कमला दास जी जो है वह कहाँ की कवित्री हैं, तो ये इंडियन पोएट हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यह एक कवित्री भी हैं और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का काम करती है। अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, यानी अंग्रेजी और मलयालम दोनों साहित्य में इनकी एक खासा पहचान है। यहाँ से भी एक प्रश्न रहता है दोस्तों, आप इसे ध्यान से समझेंगे कि अंग्रेजी और मलयालम दोनों साहित्य में इन्होंने जो है वह रचनाएँ की है अपनी, और काफ़ी लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मलयालम और इंग्लिश दोनों जो है वह साहित्य में इनकी रचनाएँ हैं, ठीक है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो 1976 में प्रकाशित हुई, क्रिएटेड क्वाइट स्टर का मतलब होता है कि इनकी जो जीवनी थी, जो कि 1976 में प्रकाशित हुई, उन्होंने जो है एक हलचल पैदा करके रख दिया, तूफान जो है वो ला करके रख दिया साहित्य में। और इन 1984 में जो है इनका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया, ठीक है, नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। हालांकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला नहीं, लेकिन शॉर्टलिस्ट किया गया था इनका नाम। और उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अंग्रेजी भाषा में, जो है उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन रचनाओं पर जरा एक नज़र हम लोग बारीकी से दे लेंगे, क्योंकि इन रचनाओं से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। इनकी रचना है समर इन कोलकाता, कोलकाता की गर्मी। साइरेंस का मतलब होता है जलपरी। द डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, ठीक है। और ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, और इसके साथ साथ जो है एनामेटल पोएम्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ठीक है, यस अल्लाह इनकी प्रमुख रचना है, ये भी याद रखने की बात है, ठीक है। तो इस तरह से कमला दास जी की ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और कमला दास जी की जो रचनाएं थी, कविताएं थी, शुरुआत में ऑटोबायोग्राफिकल होती थी। कैसी होती थी? ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कमला दास जी ने जब अपनी रचनाएँ प्रारंभ की, तो शुरुआत में इन्होंने जो है वो जितनी भी कविताएं लिखी उसमें इन्होंने जो है अपने ऑटोबायोग्राफी को जो है लिखने का काम किया। एंड हर थीम इज़ लव ऑफ ए लॉनली हार्ट, और इनकी कविताओं का जो थीम होता था वह अकेला दिल का, तन्हा दिल का प्यार हुआ करता था। और इनके रचनाओं में जो है वह ऐसा प्यार दिखता था मानो कभी समाप्त ना हो, ठीक है। और इनकी रचनाओं में वासना भी होती थी, लालच भी होता था, भूख भी होता था, ऐसा लालच, ऐसा वासना, ऐसा लिप्सा होता था मानो कि कभी संतुष्ट ही ना हो, संतृप्त ही ना हो। और यह जो है
कहीं ना कहीं जो है अपनी रचनाओं में जो है वह लैंगिकता को भी काफ़ी प्रखरता के साथ रखने का काम किया, और इनका ऐसा मानना था कि प्यार शायद ही जो है वह सेक्स और वासना से जो है वह क्या है ऊपर उठ पाता है, ठीक है। और इन्हीं सब के साथ जो है इनको जो है वह इसलिए भी जाना जाता है कमलादास जी को कि इनकी रचनाओं में जो है वह एक खास बात थी कि इनको बहुत ज़बरदस्त कमांड था अपनी रचना पर, महारत हासिल था, मास्टरी हासिल था इनको फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, यानी यह अपनी रचनाओं में जो है वह फ्रेज का जो है रिदम का काफ़ी ख्याल रखती थी, इनकी रचनाओं में काफ़ी जो है वह अच्छे तरीके से बेल्ट क्वालिटी तरीके से जो है वह फ्रेज का जो है और रिदम का जो है वह क्या किया जाता था, इंक्लूजन किया जाता था, समावेश किया जाता था, और इनके कविताओं के जो शब्द होते थे वह काफ़ी जो है वह सुसज्जित होते थे, काफ़ी पेंटेड होते थे, और इनकी कविताओं का जो रिदम होता था, जो लय होता था, वह तो बेजोड़ होता था, काफ़ी मार्वलस होता था, यूनिक होता था, अनकॉमन होता था, और इनकी रचनाएं जो है वह आज भी ऐसा लगता है मानो विग्रस रचनाएं हैं, काफ़ी जोशीली रचनाएं हैं, आज भी जीवन थे, मानो कि हम आज की चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वह कमलादास जी को हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वह अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के माध्यम से जो है वह लोगों के बीच जो है वह एक खासा स्थान बना पाई। तो यहाँ से जो पॉइंट नोट करने की है, जो पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह यह कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है उसको किसने लिखा, पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि कमलादास जी जो है वह इंडियन पोएट हैं, और तीसरी बात जो याद रखना है कि कमलादास जी मलयालम और इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो अपनी कविताएं लिखते हैं, और दो चार प्रमुख रचनाएं जैसे समर इन कोलकाता, साइरेन, डिसेंडेंट्स हो गया, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स हो गया, एनामेटल पोएम्स हो गया, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हो गया, एसल्लाद, तो ये सब इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं, तो आप उसे याद रखेंगे। तो आइए हम लोग पोएम को प्रारंभ करते हैं, बहुत ही मज़ेदार पोएम है, आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि यह जो कविता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि यह जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होने के साथ साथ जो है यह एक नॉस्टैल्जिक पोएम भी है। नॉस्टैल्जिक पोएम कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कविता जिसमें लोग या कवि अपनी बीती यादों में, अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं, और यहाँ कमलादास जी जो है वह अपनी यादों में खोए हैं, और अपने चाइल्डहुड लाइफ की जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, उनको रिकलेक्ट करते हुए, उनको ताज़ा करते हुए जो है, यानी इन्होंने अपना जो बचपन है वह अपने ग्रैंड मदर्स के हाउस में गुजारा है, तो उस हाउस में जो इनको प्यार मिला, जो सम्मान मिला, उसको रिकलेक्ट करते हुए, उस याद को ताज़ा करते हुए यह पोएम का पहला लाइन लिखती हैं, कहती हैं देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वंस आई रिसीव्ड लव, कहती हैं कि एक घर है, कौन घर है, दादी का घर है, ग्रैंड मदर साउस है, जहाँ हमें बहुत प्यार मिला, अब वह घर क्या है, काफ़ी दूर है, उस घर से मैं काफ़ी क्या हूँ, दूर हूँ, उस घर से मैं दूर हूँ जहाँ मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, बहुत आदर मिला, दैट वुमेन डाइड, वह महिला मर गई, यानी कमलादास जी की जो हैप्पीनेस है, कमलादास जी की जो खुशी है, वह ज़्यादा दिन तक नहीं चली, और वह महिला यानी कमलादास जी की जो ग्रैंड मदर थी वह जो है वह भगवान को प्यारे हो गई, ठीक है। और यहाँ से जो है वह कमलादास की जो वह खुशी समाप्त हो जाती है, एंड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कमलादास जी की जो है वह खुशी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, एंड ऑफ हैप्पीनेस, कमलादास की खुशी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और उसके बाद कमलादास जी लिखती हैं कि द हाउस वी ड्रीव इन टू साइलेंस, घर जो है वह खामोशियों में समा जाता है, घर जो है वह खामोश हो जाता है, खामोश इसलिए क्योंकि उस घर की जो सबसे प्रमुख सदस्य थी, उस घर का जो मुख्य आदमी था, वह क्या हो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस घर में रहने वाला भी अब कोई नहीं है, ठीक है। इस वजह से वह घर जो है वह काफ़ी क्या है,
खामोश हो गया उस घर में, जो टोटल कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था वो वही लेडी थी, इस वजह से अब उस घर की हैप्पीनेस क्या हो गई, समाप्त हो गई। आगे जो है वह कमला दास जी कहती हैं कि स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वॉज देन टू यंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे तरीके से इस लाइन को देखिएगा, ठीक है। कमला दास जी कहती हैं, बहुत मज़ेदार पॉइंट है, देखिएगा, ठीक है। कहती हैं कि अमंग बुक्स, ठीक है, किताबों के बीच, ठीक है, द हाउस विड्र्यू इन टू साइलेंस, यानी घर जो है वो खामोशियों में समा गया। क्यों? क्योंकि जो उस घर का इंटायर हैप्पीनेस का सोर्स था वो लेडी थी, वो अब नहीं है। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, ठीक है, अब जो है सांप विचरण करने लगे उस घर में, ठीक है, उस घर में जो है किताबों के बीच जो है वह सांप विचरण करने लगे। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, मैं, कमला दास जी कहती हैं कि मैं बहुत युवा थी, ठीक है, इतनी युवा थी कि मैं किताब पढ़ने लायक नहीं थी, और माई, ठीक है, और क्या है, कमला दास जी कहती हैं कि अब जो है वह किताब दादी की, ग्रैंड मदर के मरने के बाद जो है वह किताब जो है वह ऐसे ही जो है वह लाइब्रेरी में रखा है, और उन किताबों के बीच जो है वह सांप विचरण कर रहे हैं। माई ब्लड टर्न्ड लाइक टर्न्ड कोल्ड लाइक, यहाँ कोल्ड होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, COLD कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड लाइक द मून, और कहती हैं कि अब मेरे खून जो है वह फ्रोज हो गए हैं, जम गए हैं, मैं बहुत निराश हूँ, बहुत डिस्पेयर हूँ, बहुत उदास हूँ, उस लेडी के मरने के बाद मैं बहुत ठगा महसूस कर रही हूँ। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कमला दास जी कहती हैं कि जब कभी भी मैं वहाँ जाने की सोचता हूँ, देयर टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, कहती हैं कि जब मैं वहाँ जाने को सोचता हूँ, है ना, कमला दास जी को आज भी वहाँ की यादें सताती है और वो जाना चाहती हैं उस घर में जहाँ उन्हें बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला, लेकिन कमला दास जी कहती हैं कि मैं ब्लाइंड आईज, कहने का यहाँ पे मतलब है कि हाउस इज फिल्ड विथ डार्कनेस, नथिंग इनसाइड द हाउस इज क्लियर टू हर आईज, कहते हैं कमला दास जी कि अब उस घर में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं है, ठीक है, सब अस्त व्यस्त है, सब जैसे तैसे है, ठीक है, और उस तरह से कमला दास जी उस भावनाओं से जो है आंतरिक दृष्टि से झांक करके जब उस घर में देखती हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें जो है वह फ्रोजन एयर सुनाई पड़ता है। फ्रोजन एयर कहने का मतलब होता है अनमूव्ड एयर, है ना, वैसी हवा जो वहाँ रहती है जहाँ रहने वाला कोई नहीं हो, दैट मीन्स उस घर की हवा जिस घर में कोई इनहैबिटेंट्स नहीं हो, कोई निवासी नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पे कमला दास जी जो है को जो है वो बस वही फ्रोजन एयर सुनाई पड़ता है। आगे देखिएगा, अब कमला दास जी जो है वह काफ़ी हॉपलेसनेस को एक्सप्रेस कर रही हैं, उन्हें प्यार की आवश्यकता है, नीड ऑफ लव, ठीक है, क्योंकि अब वह वर्तमान लाइफ को जो है वह उस समय के लाइफ से कंपेयर करके देखती हैं। देखिए किस प्रकार से कमला दास जी जो है वह आगे कहती हैं, अपने होपलेसनेस को प्रकट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है यह और बहुत मज़ेदार पोएम है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कमला दास जी जो है अपने होपलेसनेस को प्रकट करती है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, और इन वाइल्ड डिस्पेयर कमला दास जी कहती हैं कि अब मैं बहुत निराश हूँ, मैंने अपने सारे उम्मीद खो दिए, ठीक है, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, कमला दास जी कहती हैं कि मैं काफ़ी निराश हूँ, मैं काफ़ी उदास हूँ, और मेरी इच्छा है कि आज भी मैं ग्रैंड मदर्स हाउस के जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, उसको मैं चुन करके, ठीक है, अपने बेडरूम तक लाऊं और वो जो है एक ब्रूमिंग डॉग की तरह, ब्रूमिंग डॉग का मतलब यहाँ पर होता है थिंकिंग डॉग, यानी वह जो है हमारे लिए एक ब्रूमिंग डॉग की तरह वर्क करे, यानी हमको जो है उस घर के बारे में सोचने पे मजबूर करे, और इसलिए क्योंकि उस घर की यादें जो है वह कमला दास जी को जो है वह काफ़ी इंटरनली जो है वह हैप्पी कर देती है, ठीक है। आगे चलिएगा, यहाँ से देखिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ कमला दास जी जो है
अपने हस्बैंड को डेमोंस्ट्रेट करते हुए कहती हैं और अपने घर को जो है वह ग्रैंड मदर के हाउस से कंपेयर करते हुए कहती हैं कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग डार्लिंग। यहाँ पर जो है कमला दास जी अपने हस्बैंड को कहती हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, कैन यू एकदम नहीं विश्वास करोगे दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं ऐसी घर में रही हूँ, वॉज प्राउड एंड लव्ड, जहाँ मुझे रह करके जो है वह गर्व महसूस होता है, जहाँ मैं रह करके काफ़ी आदर पाई हूँ, ठीक है ना, मैं वैसे घर को आज भी जो है वह सोच करके गौरवान्वित होता हूँ, ठीक है। आगे कहती हैं कमला दास जी कि आई हु हैव लॉस्ट माई वे, कहती हैं कि अब वो तमाम जो खुशी के मायने थे, जो खुशी के रास्ते थे, वह अब खो गए हैं, अब मैं काफ़ी निराश हूँ, एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स टू रिसीव लव, कहती हैं कि अब मुझे उस तरह का प्यार पाने के लिए मुझे अजनबियों के घर पे, मुझे अजनबियों के दरवाजे पर जो है वह क्या करने पड़ते हैं, भीख मांगने पड़ते हैं, यानी वैसा प्यार मांगना पड़ता है। लेकिन कमला दास जी कहते हैं कि nobody is ready to honor and consider and love each other, कमला दास जी कहती हैं कि लेकिन कोई अजनबी जो है कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को प्यार करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और कमला दास जी कहते हैं कि she would be very happy, ठीक है, अगर वह प्यार थोड़ा भी पाती हैं तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी, एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, दैट मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि अगर कमला दास जी थोड़ा सा भी प्यार उन्हें उसके कंपैरिजन मिलता है, यानी ग्रैंड मदर हाउस के कंपैरिजन उन्हें कहीं भी प्यार मिलता है, तो उस प्यार को पा करके वो काफ़ी अभिभूत होंगी, काफ़ी प्रसन्न होगी, काफ़ी खुश होंगी। तो गाइस, इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से जो है वह ग्रैंड मदर्स हाउस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। कमला दास जी जो कि इंडियन पोएट हैं, इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखने का काम किया है, और यहाँ पे जो 16 लाइन का एक शॉर्ट पोएम है जिसका कि वास्ट एंड वाइड मीनिंग है, इसमें उन्होंने जो है वह पहले लाइन में जो है अपने चाइल्डहुड मेमोरी को रिकलेक्ट किया है, देन आफ्टर जो है वह ग्रैंड मदर के मरने के बाद काफ़ी जो है वह डिस्पेयर हो जाती हैं, काफ़ी निराश हो जाती हैं, और इस प्रकार उनकी खुशी समाप्त होती है, और कहती हैं कि आजकल क्या होता है कि उस घर में किताबों के बीच सांप विचरण कर रहे हैं, क्योंकि अब वहां रहने वाला कोई नहीं है, और कमला दास जी की इच्छा होती है कि मैं वहां जाऊं, उस घर में जाऊं, उस घर में जा कर के देखूं, लेकिन बैठे बैठे ही कमला दास जी अपने इंटरनल हार्ट से जो है उस घर में झांक करके देखती हैं, तो देखती हैं क्या कि इनकी नज़रों के सामने कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, और सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई पड़ रहा है, वो है फ्रोजन एयर, और फ्रोजन एयर का मतलब होता है वैसी हवा जो अनमूव्ड हो, जो किसी इनहैबिटेंट्स कि नहीं रहने के कारण वहाँ जो है वह अस्थाई है, यानी ट्रांसपोर्टेशन उसका नहीं है। और फिर आगे अगले लाइन में जो है वह कमला दास जी काफ़ी निराशा प्रकट करती है, और निराशा प्रकट करते हुए अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करती है जैसे उन्हें उसके कंपैरिजन थोड़ा प्यार चाहिए, यानी यहाँ पे कमला दास जी जो है वह अपने प्रेजेंट के लाइफ को जो है उस समय के लाइफ से कंपेयर करती हैं, कहती हैं कि आज जो है अपने हस्बैंड को डेमोंस्ट्रेट करते हुए भी कहती हैं कि डार्लिंग आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसे घर में रहा हूँ जहाँ बहुत प्यार मैंने पाया, बहुत सम्मान मैंने पाया है, और आज प्यार पाने के लिए मुझे दूसरे के दर पर आना पड़ता है, दूसरे के दर पर, लेकिन फिर भी कोई कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, और उस तरह का प्यार अगर थोड़ा भी मिल जाए मुझे तो मैं काफ़ी क्या हो जाऊँगा, प्रसन्न हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पोएम समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।